दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फिर से। मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक वीडियो जिसमें आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ फोर्ड की फिगो स्पोर्ट्स का लॉन्ग टर्म यूज़र रिव्यू। जैसे कि आप गाड़ी का मीटर देख रहे हैं और मेरी गाड़ी 10,393 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, और गाड़ी जैसे कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सेकंड सर्विस हो गई है। तो सेकंड सर्विस होने पर जो गाड़ी में अभी तक मुझे कुछ बेनिफिट्स लगे, कुछ अच्छी बातें, उसके कुछ प्रॉज लगे और कुछ कॉन्स जो गाड़ी में मुझे नज़र आए इतने लंबे समय तक यूज़ करने पर, वो आज मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी सेकंड सर्विस की। सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर पर इसकी हुई। पहली सर्विस जो होती है वो 2,500 किलोमीटर पर होती है, जो कि नॉन चार्जेबल होती है, मीन्स इसमें कोई भी लेबर चार्ज नहीं, जनरल चेकअप होता है। मैक्सिमम इसमें आपको जो पे करना होता है वो 65 to 70 रुपीज़, जो कि आपका वॉशर का, मीन्स आपके जो वॉश वाइप होते हैं, जो वाइपर्स होते हैं, उसमें जो फ्लूइड पड़ता है वो डालने का चार्ज होता है। बाकी कोई आपको चार्ज देना नहीं होता, जो कि कोई भी किसी भी प्रकार का पार्ट या फ्यूल चेंज नहीं होता है, जैसे कि इंजन ऑयल या कोई भी फ्यूल कोई चेंज नहीं होता है। और जहाँ तक आपकी बात करते हैं आपके सेकंड सर्विस की, सेकंड सर्विस में पूरी तरीके से गाड़ी की ओवरऑल चेकिंग होती है और साथ में इसमें आपका इंजन ऑयल भी चेक किया जाता है। तो इंजन ऑयल चेक करने पर आपकी, जैसे कि ऑब्वियसली सी बात है, 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी का ड्रेनेज होता है हर गाड़ी की कंपनी का, कुछ गाड़ियों को छोड़ करके। जैसे कि फोक्स वगन 15,000, अभी टाटा ने नया नेक्सोन निकाला, उसका 15,000 पे सर्विस ड्यूरेशन है। तो आपकी जो और नॉर्मल गाड़ियों की जो सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पर होती है, जो कि एक हिसाब से सही भी है। ज़्यादा लंबे समय तक गाड़ी की मोबिल में अगर ड्रेनेज होगा तो कुछ दिनों बाद में गाड़ी की, चूँकि मोबिल ख़राब हो जाती है अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो इस हिसाब से ठीक है। आप 10,000 किलोमीटर पर अगर गाड़ी का सर्विस हो रहा है तो उसमें कुछ जनरल सी चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ आपकी पुरानी हो जाती हैं जो वर्क करना बंद कर देती है। और आज के इस हेक्टिक स्केड्यूल में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि रोज हम सर्विस सेंटर जाकर के बैठें और अपनी गाड़ी के जनरल आइटम्स को हम चेक कराएं। इसीलिए सर्विस में हम अपनी चीज़ों को जनरली सारी चीज़ें चेक करा लेते हैं। तो जैसे कि गाड़ी की 10,000 किलोमीटर की सर्विस हुई, जो मेरा बिल आया, ये गाड़ी का टोटल बिल अभी आपकी सेकंड सर्विस के बाद में जो आया है मेरे सामने, वो आया है टोटल सिर्फ 1,600 कुछ रुपए का। मीन्स तो मैंने जैसे बताया 1,600 कुछ रुपए का आपका टोटल ओवरऑल 1,700 रुपए का बिल आया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ओवरऑल बिल है वो है 1,652 रुपीज़। मीन्स आपका 1,652 रुपए का टोटल बिल आया है, और इस बिल में मेरा जो भी चार्ज लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल का, फ्लूइड का चार्ज लगा है। ये पूरा MGS फोर्ड लखनऊ में सर्विस हुई, और इसमें आप देख सकते हैं वॉश फ्लूइड पाउच का चार्ज, गास्केट, ड्रेनेज प्लग, फिल्टर, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल 995 रुपये का है, फिल्टर इंजन ऑयल 314 रुपये का, 36 रुपये का गैस के ड्रेन ड्रेन प्लग है, 49 रुपये का वॉश फ्लूइड है, मिरर रियर व्यू जो आपका। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि और सारी चीज़ें चेकिंग हुई, जैसे मिरर, ये रियर व्यू जो ORVMs होते हैं इसकी चेकिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। पूरी गाड़ी के व्हीकल इंस्पेक्शन हुआ, बैटरी कंडीशन, ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक सिस्टम, डेंट स्क्रैच इन बम्पर, इंजन कूलिंग सिस्टम, डेंट स्क्रैच इन डोर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, डेंट स्क्रैच फेंडर, डेंट स्क्रैच इन बोनट, डेंट स्क्रैच इन क्वार्टर पैनल, सारी चीज़ें ओवरऑल चेक होती हैं। और उसके बाद में इन्होंने इन्होंने हमको जो एक बिल दिया है वो दिया टोटल ओवरऑल 1,652 रुपये का। तो इवन अगर आप देखते हैं 10,000 किलोमीटर पर सेकंड सर्विस आपकी 1,600 1,650 रुपये की हो रही है, तो इट्स नॉट टू मच कॉस्टली। 995 रुपये का आपका 3 लीटर मोबिल पड़ी है, 5W30, जो कि अच्छा है। 3.8 लीटर आपकी मोबिल पड़ी है, ठीक है, 995 रुपये का, 261 रुपये लीटर। इवन बाइक की मोबिल भी इतने ही रेंज में आती है, ठीक है। और ऑयल फिल्टर 314 रुपये का जो कि आपका लगा है, गास्केट 36 रुपये का, तो बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। थोड़ा सा फोर्ड को लोग कभी कभी डिफेम करते हैं महंगी चीज़ों की वजह से। हाँ, थोड़े से पार्ट्स जो इसके हैं वो पार्ट महंगे हैं कुछ पार्ट्स की कंपैरिजन में, जैसे कि अगर आप मारुति से कंपेयर करते हैं या टाटा से कंपेयर करते हैं, तो चूँकि इंडियन तो कंपनियाँ हैं तो थोड़ा सा उसमें आपका पार्ट में डिफरेंस आएगा, पर ओवरऑल डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने आपसे बात किया तो कुछ मेजर प्रॉब्लम की, जैसे कि मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। आप, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाऊंगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से मेरी डैशबोर्ड से एक आवाज़ आ रही है।
ये आपको मीटर की मीटर से मीटर के आसपास डैशबोर्ड से एक आवाज़ आ रही होगी जैसे कहीं मोटर चलता है। जी हाँ, ये एक्चुअली मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है। अभी जब मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर के आसपास पहुँच रही थी, मैंने अपने सर्विस इंस्पेक्टर से पूछा, मैंने एग्जीक्यूटिव से पूछा, तो उसने बोला कि एक्चुअली प्रॉब्लम चेक करा लेते हैं पूरा डैशबोर्ड खोल के। जब उन्होंने पूरी प्रॉब्लम चेक की तो उनको ये पता चला कि गाड़ी में जो आपका ऑटोमेटिक, चूंकि एसी दी हुई होती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया होता है, तो इसके लिए जो आपका सेंसर होता है जो आपके टेम्परेचर को सेट करता है अकॉर्डिंग टू द कार टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर को सेट करता है वो इसमें सेंसर ख़राब हो गया। और होता है अक्सर, जनरली कुछ सेंसर ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें वो सेंसर चूँकि ख़राब हो गया है और उन्होंने इसको फ्री में रिप्लेस करने के लिए बोल दिया, चूंकि ये सेंसर उनके पास खत्म हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक था, तो उन्होंने मेरे को 4-5 दिन का समय दिया और सेंसर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बदलेंगे। ये एक फ़ायदा है, बढ़िया है, वारंटी की चीज़ है। दूसरा, मैं आपको एक मेजर फ़ायदा बताता हूँ जो कि मुझे फोर में समझ में आया। जैसे कि ये जो आप ओआरवीएम देख रहे हैं लेफ्ट साइड का, मेरा ये ओआरवीएम नॉर्मल काम करना बंद कर दिया था। जैसे मैं इसको ऐसे ओपन करता था तो ये आवाज़ करता था, लेफ्ट साइड का ओआरवीएम कट 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 की आवाज़ करके ओपन होता था और बंद करते समय भी सेम वॉइस नॉइस करता था। राइट साइड का बढ़िया काम कर रहा था। मैंने जब सर्विस एग्जीक्यूटिव को बोला तो उसने पूछा, करने के बाद बोला कि जनरली होता क्या, ये पावर फोल्ड मेरा है और ये खराब हो जाते हैं जब कोई इसको हाथ से नॉर्मली पावर फोल्ड मिरर कोई की तरह एडजस्ट करता है कोई इसको, तो वो खराब हो जाते हैं। इसके जो अंदर बेयरिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं या वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमारा वो काम करना खराब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है या आवाज़ करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे को अनडाइजेस्टेबल लगा, चूंकि राइट साइड का होता तो मैं मान सकता था। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि राइट साइड से किसी तरीके से किसी व्यक्ति से या पैसेंजर, कोई इंसान नॉर्मल पेडेस्ट्रियन होता है, उससे लड़ जाता है, तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, फिर हम इसको पावर फोल्ड करके ओपन करते हैं तो बढ़िया ओपन वर्क करने लगता है। लेकिन लेफ्ट साइड का मेरे को अनडाइजेस्टेबल लगा। मैंने अपने सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात किया और फिर काफ़ी चेकअप के बाद में, चूंकि ये मेरे को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, ये प्रॉब्लम सिर्फ रस्टिंग की थी, हो सकता है रस्ट रहा हो या वाटर, जैसे आप कार वॉश करते हैं तो हो सकता है वाटर अंदर चला गया हो, इसकी वजह से जब वो थोड़ा सा जगह बैठ जाता है तो रस्टिंग के तरीके से आवाज करता है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी बेयरिंग टूट गई है, चेक करने के बाद में जो इन्होंने उसको फ्री में बदला। अब मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने पूरा तरीके से इसको चेंज किया है या नहीं चेंज किया, चलिए देख लेते हैं इन्होंने चेंज किया है या बेयरिंग ही अंदर की चेंज की है। देखने में तो ये मिरर बिल्कुल पहले की तरह सेम लग रहा है, हो सकता है इसका जो आउटसाइड का ये कवर रहा हो ये सेम हो और ये अंदर का इन्होंने पार्ट पूरा खोल के चेंज किया हो, ये हो सकता है, बट मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये फोल्डेबल जो मिरर है ये अब नॉर्मली वो नॉइस नहीं कर रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब सिर्फ इसको बंद करने में आपकी मोटर की वर्किंग की आवाज़ सुनाई दे रही, बाकी जो आपकी अननेसेसरी वॉइस थी वो गायब हो गई है, वो हट चुकी है। तो एक अच्छी बात है कि अगर आपके फोर्ड में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ आपकी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिया जाता है सर्विस पॉइंट की तरफ से, कि कस्टमर डिसटिस्फाइड ना होने पाए, उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्मल चीज़ों पर फोर्ड केयर नहीं करता। और जैसे कि मेरी पहले की कोई स्पोर्ट भी थी, पुराने मॉडल की फिगो थी, उसमें भी कई बार काफ़ी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जब हमने उसके मतलब गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फोर्ड उसको इवन विदाउट चार्ज अपनी चीज़ों से थोड़ा सा मैनेज करके चेक कर देता है और उसको चेंज कर देता है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि एक हिसाब से अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल जहाँ पे और सारी कंपनियाँ हर पार्ट का चार्ज लेते हैं, फोर्ड अपने कस्टमर्स की इतनी क्वालिटी और उनकी चीज़ों को देखते हुए डेवलप करने के लिए, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्राइसिंग की तरफ नहीं भागता, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता है। ये तो हुई सर्विस की बातें, गाड़ी अभी से पहले से नॉर्मल स्मूथ जैसे ही चल रही थी वैसे ही चल रही है, बस थोड़ी सी जो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आई काफ़ी लंबे समय से इसको यूज़ करने पर, मैं बताता हूँ। ये आप देखेंगे थोड़ा सा जो गाड़ी की ये जो फाइबर क्वालिटी है, ये सब चीज़ें अभी आप ये देखेंगे तो ये देखिए नॉइस करता है। फोर्ड ने गाड़ी मेकिंग में ये जो आपकी क्वालिटी डेवलप किया है डैशबोर्ड और बाहर की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बेहतर किया है, लेकिन इको स्पोर्ट और इसमें यही अंतर है कि इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी डोर्स की बहुत हैवी है और इसमें ये चीज़ इन्होंने थोड़ा सा या तो बीच में ग्रिपिंग के लिए उन्होंने रबड़ बैंड या कुछ ऐसा लगाना छोड़ दिया है और इसकी वजह से जिसका देखिए ये फाइबर दब रहा है और ये नॉर्मल अननेसेसरी आवाज़ करता है, अजीब लगता है।
काफ़ी, जब आप कभी भी पैर सटा के ऐसे बैठिए और जब आप पैर सटा के ऐसे ड्राइव कर रहे हो तो ये दबता है तो आवाज़ करता है, डोर्स जब ढीले हो जाते हैं तो आवाज़ करने पर ये बड़ा ही अजीब लगता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा फोर्ड को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को बना रहे हो तो थोड़ा सा हैवी ही करें, ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स वर्जन है, मीन्स स्पेशल एडिशन आपने दिया, लेकिन अभी भी आपकी जो पावर, ये जो आपकी पावर विंडो वाली कीज़ हैं, ये बटन्स में एलुमिनेटेड नहीं है। ये एलुमिनेटेड है लेकिन और बटन एलुमिनेटेड नहीं है। तो ये एलुमिनेटेड ना होने पर पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कत होती है रात में अपनी बटन्स को खोजने के लिए। अक्सर हम बटन को डाउन करते हैं फ्रंट सीट की, फ्रंट विंडोज़ की, लेकिन गलती से हाथ, आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो रियर बटन पे चली जाती है और पीछे का शीशा खुल जाता है। तो इसको एलुमिनेटेड होना चाहिए था, ये काफ़ी बेहतर लगता अगर ये एलुमिनेटेड होता। तो दूसरी चीज़ें जो मुझे समझ में आई आज के इस काफ़ी, चूँकि हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जहाँ पे टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है जो कि इसमें नहीं है। अब जितनी भी फोर्ड्स की गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि फीगो में भी ये टच स्क्रीन आ जाएगा। अपनी नई कोई स्पोर्ट में नॉर्मल इवन ट्रेंड मॉडल में भी फोर्ड ने 6 इंच की टच स्क्रीन दिया है और जो टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस, उसमें 8 इंच की टच स्क्रीन दिया है, तो उम्मीद है ऐसी। लेकिन काफ़ी मैं बताऊं आपको, अगर मैं बात करता हूं आपकी फोर्ड की ये इस बाजे की, तो इस जो ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है इसको यूज़ करने में काफ़ी बेहतर, थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप इसको अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट होता है, अगर आप किसी को फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन की बटन को दबा के आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर होता है आप ऐसे डायल करेंगे और डायल करने के बाद में आप यहाँ से कॉलिंग का बटन दबाते हैं। नॉर्मली आपको अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। टच स्क्रीन में भी ये सिस्टम होता है लेकिन उसमें चूंकि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है और इसका चूंकि ये फ्लोटिंग है, थोड़ा सा लैंडिंग बेस पे है, फ्लोटिंग नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ड्राइव करते समय भी नंबर्स देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नंबर्स आप आसानी से अपनी फिंगर्स से कैच कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगता है जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम है। काफ़ी कंप्लेन मैंने देखा भी कि इसको एक्टिवेट होने में बाजे को काफ़ी समय लगता है, इसके ब्लूटूथ को। और जहाँ पे इन्होंने ये फोर्ड माई डॉक का सिस्टम दिया है, ये फोर्ड माई डॉक आप इसको नॉर्मली नेविगेशन पॉइंट बना सकते हैं अपना फ़ोन को इसमें ऐसे जैक करके। ये अच्छी चीज़ है कि आप अगर टच स्क्रीन का मजा लेना चाहें तो अपने फोल्ड को ऐसे आप होल्ड कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन को नॉर्मली आप इसमें ऐसे बीच में होल्ड करके आप ऐसे प्रेस कर दीजिए तो ये आपका टच स्क्रीन का काम करेगा। लेकिन जहाँ तक बात है इंटीग्रेटेड टच की, तो इंटीग्रेटेड टच तो इंटीग्रेटेड होता ही होता है। दूसरी चीज़, ये आपका लॉक बटन है, हम इसको जैसे प्रेस करते हैं पूरी गाड़ी आपके सेंटर लॉक हो जाती है। लेकिन आज के इस ज़माने में अगर अपने फैमिली के साथ में हैं, कुछ बच्चे आपके हैं जो इन्फेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन पे अक्सर बच्चे जब इसको देख लेते हैं तो इसको ओपन कर देते हैं, इससे पूरी गाड़ी आपकी ओपन हो जाती है। एक बटन इसमें सेंटर आपका देना चाहिए जिससे हम यहाँ पर या फिर जिससे हम उसको पूरी सेंटर लॉक कर सकें। ये ओपनर डोर का अच्छा है, काफ़ी क्लासी लुक देता है, लेकिन ये जो लॉक है ये हम सब पैसेंजर्स के लिए तो ठीक है लेकिन इन्फेंट्स इसको खोल लेते हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो ये डोर का अंदर का एक पोर्शन है आप इसी में यहाँ पर सेंटर लॉक के बटन दे सकते थे, काफ़ी बेहतर होता, ज़्यादा मुझे समझ में आता, ज़्यादा अच्छा लगता। दूसरी चीज़, ये जो आपका गियर नॉब है, एक मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये अगर सोचिए आप जब आप इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर आप नॉर्मली मीटर में देते हो, अगर आप इसको गियर लगाइए और यहीं पर ये ग्लो करता हो, जो नंबर्स लिखे हैं ये ग्लो करने लग जाएं, कितना क्लासी लुक लगेगा, कितना कॉम्पैक्ट अच्छा सा एक लुक लगेगा जब आप एलुमिनेटेड एलुमिनेशन में रहेगा, एलुमिनेट करेगा, बहुत सुंदर लगेगा। यूएसबी पॉइंट की मुझे एक कमी खली, जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया गया, यहाँ पर पहले माइक्रोसॉफ्ट सिंक का एक पूरा आपका वो कंपार्टमेंट होता था जिसमें सिंक के साथ साथ यूएसबी पॉइंट होते थे। यूएसबी पॉइंट अब इसमें माइक डॉक में दिया गया है अंदर, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक यूएसबी पॉइंट देते तो काफ़ी बेहतर होता। साथ में रियर सीट में आपको यूएसबी पॉइंट देना चाहिए। हेडरेस्ट आपने दिया है वो इंटीग्रेटेड दे दिया, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट जो कि आपका नॉर्मल गाड़ियों में इवन वैगनार आती मारुति की इसमें एडजस्टेबल होते हैं और आपने इसमें इंटीग्रेटेड दे दिया, वैसे काम चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देते तो काफ़ी बेहतर रहता। रियर आपको सीट पे किसी तरीके की कोई लाइटिंग नहीं मिलती, रीडिंग लैंप जो कि मुझे बाहर से परचेज करके लगाना पड़ा। ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा लगी कि ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। दूसरी, आप सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर मैंने बात किया कि जैसे अगर आपकी मान लीजिए कोई गाड़ी डंप करता है तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी नॉइस करती है। मेरी गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ दिया था किसी ने और ये गाड़ी बिल्कुल भी नॉइस नहीं की, शीशा तोड़ के चला गया, कोई आवाज़ नहीं हुई। बाद में पता चला कि अगर कोई स्टार्ट करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, अगर आपकी गाड़ी लॉक है
तो फिर ये गाड़ी आवाज करेगी गलत चाबी से स्टार्ट करने पर। लेकिन ये होना चाहिए, नॉर्मली सारी गाड़ियों में देना चाहिए कि अगर आपकी कोई गाड़ी डंप करता है बहुत ही तेजी से, या ऐसा होता है कि कोई शीशा टूटता है या गाड़ी कहीं पे डंप होती है, तो आवाज करना चाहिए। ये हर गाड़ी में सिस्टम देना चाहिए। अब इसमें गाड़ी में आपका नॉर्मली फॉलो मी दिया हुआ है, जैसे कि आप रात में उतरते हैं, आजकल सारी गाड़ियों में आ रहा है, आप गाड़ी को लॉक करते हैं या कहीं आप पार्किंग में खड़े हैं, अपनी गाड़ी को डबल प्रेस करेंगे लॉक बटन, तो आवाज करेगी दूसरे से, दूसरा रोशनी करती है, ताकि गाइड मी लैंप जिसे हम बोलते हैं, गाइड मी सिग्नल, ये आपका बढ़िया बेहतर एक मिल जाता है। तीसरी चीज, आज के इस ज़माने में अगर आपकी गाड़ी में एक नॉर्मल हेडलैम्प दिया हुआ है 8.5-9 लाख रुपए के रेंज में, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने जैसा लगता है। हमें बेहतर होता अगर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया होता, नई एलईडी तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया होता तो काफ़ी बेहतर रहता। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, एक कॉम्पैक्ट लुक आ जाता प्रोजेक्टर हेडलैम्प से, और बहुत बेहतर लगता अगर यहाँ पे कॉम्पैक्ट तरीके से एक लुक दिया होता आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तीसरी चीज़, रियर सेंसर और रियर कैमरे की जहाँ तक बात मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में दिया था कि मैंने इसको इंस्टॉल कराया है, आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो, रियर सेंसर और रियर व्यू कैमरा जो आपका होता है पार्किंग के लिए। लेकिन ये गाड़ी में कम से कम एक सेंसर तो दे देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 3.5-3.5 हज़ार रुपये का फोर्ड का खुद का ओरिजिनल है, आप इसको इंस्टॉल करके, जैसे मारुति आज अपनी हर गाड़ी में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, इवन अल्टो लीजिए, वैगनार लीजिए, इसमें रियर सेंसर नहीं भी आते हैं, मारुति कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, आप कम से कम एक सेंसर तो कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते थे या उसको कंपनी फिटेड दे सकते थे, जिससे गाड़ी आज के ज़माने में पार्क करते समय काफ़ी इन पर जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें आपको अपग्रेडेड, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अपग्रेडेड वर्जन में आपकी आ जाएंगी, तो काफ़ी बेहतर होता अगर ये सारी चीज़ें अफोर्ड दी होती। तो एक प्रॉब्लम जो मुझे अपनी गाड़ी में और नज़र आती है वो होती है इसका बूट। इसका बूट जैसे कि आप ओपन करते हैं, बूट ओपन करने के बाद में हम नॉर्मली बूट के साइज़ पे जाते हैं, तो बूट की साइज़ जो आप देख सकते हैं, बूट लैंप तो यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन सफिशिएंट है, पर थोड़ा सा अगर बूट और ये बड़ा कर देते हैं, लेगरूम बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा बूट को कम कर दिया, जो कि 285 लीटर है, बहुत कम नहीं है, पर उम्मीद करता हूँ अगर 300 लीटर होता, थोड़ा सा बूट आपका और बड़ा होता, ये स्पेसियस होता, इसमें डेप्थ और ज़्यादा होती या विड्थ और ज़्यादा होती तो काफ़ी बेहतर होता। आप नॉर्मली एक फैमिली को अगर लेकर के चलना चाहें तो 2-3 ब्रीफ केस आपके आराम से आ जाते, 2-3 आपके बैकपैक्स आराम से आ जाते, बड़ा बेहतर रहता, ये अच्छा लगता। लेकिन अब कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं हम, एक ट्रॉली आ जाने के बाद में दूसरी ट्रॉली रख सकती है, पर स्टैंड करके अगर आप रखना चाहें तो ये ट्रे आपको जो होती है ट्रे निकालनी पड़ जाएगी, फिर ये ट्रे एडजस्ट नहीं होती है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। बाकी और जैसे कि आप अगर इसको हल्का सा इस बूट को प्रेस करते हैं फाइनली, तो आप अगर हाइट आपकी कम है तो आप ये हुक पकड़ करके यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ये आपका डोर ओपन यहाँ से आप नीचे खींच सकते हैं। बाकी आप इसको बंद करेंगे नॉर्मल तरीके से तो बंद नहीं होता, इसका लॉक मेरे को लग रहा है काफ़ी हार्ड दिया हुआ है, आपकी जो मीटर है उसमें गियर डोर ओपन का सिग्नल जला करता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मली कभी कभी कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, छोटी सी चीज़। बाकी ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस, गाड़ी की साउंड क्वालिटी, गाड़ी की एसी, जो कि हार्ड सीज़न में जब 42-43 डिग्री का टेम्परेचर था तब भी ये गाड़ी बिल्कुल कम्फर्टेबल मेरे को एक इन्वायरमेंट दी, इस सब मामले में बिल्कुल, इंजन क्वालिटी से, माइलेज से, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है, मैं नियर अबाउट निकालने पर अगर आप आ जाइए और कंटिन्यूसली 60-70 की स्पीड पर अगर आप चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी आपको जो मीटर शो करती है और इस किलोमीटर पर लीटर, ये आपकी गाड़ी आपको, आप अगर 30-35 किलोमीटर एक सेम स्पीड में विदाउट चेंजिंग गियर एंड ब्रेकिंग अगर आप चले जाते हैं तो आपकी गाड़ी नॉर्मली आपको 35, 36, 38, 40 तक दिखा सकती है, जो मैंने अभी तक अप्रोच किया है। और वैसे आपकी गाड़ी नॉर्मल 24-25 हाईवे पे आपको देती है अप्रॉक्सीमेटली, और सिटी एज़ पर सिटी कंडीशन अगर आप बहुत दोनों को कंबाइन करके सिटी और हाईवे का देखेंगे तो आपकी गाड़ी 22 ओवरऑल दे देगी, और बहुत हैवी ट्रैफिक में आपकी गाड़ी 15-16-18 की माइलेज देती है, बहुत हैवी ट्रैफिक 15-16, नॉर्मल सिटी में 17-18 ऐसे आप मान सकते हैं, 15-18 के बीच में सिटी कंडीशन में एज़ पर ट्रैफिक, और हाईवे पे आपकी गाड़ी 18-22-24 तक आपकी बहुत अच्छी गाड़ी माइलेज आपको दे सकती है। ये मेरा आज का रिव्यू, जो भी अपने आपके सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड हाँ प्लीज़ जो आपकी थोड़े से आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें मेरी वीडियो में, तो जनरली मैं ये वीडियो बनाता हूँ नॉर्मल जनरल रिव्यूज़ के लिए, मैं कोई एडिटर नहीं हूँ कि मैं अपनी वीडियो को पूरा एडिट कर
करके भेजूँ। ये जनरल एक नेचुरल रिव्यू होता है, तो इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें। और आप सबकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज़ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो लोगों के लिए थोड़ा सा अब्यूजिव या फाउल हो। थैंक यू सो मच।